काराकाट के जो पुराने काम छूटे और जिन वजहों से छूटे हैं क्यों छूट गए दो हजार चौदह में इंडिया की सरकार दिल्ली में बन गई लेकिन पंद्रह में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन की सरकार बिहार में आ गई तो इसके कारण काम करने में कठिनाई हुई बिहार में अगर नीतीश कुमार का सबसे कोई करीबी नेता माना जाता है तो उपेंद्र कुशवाहा आप ठीक बोल रहे हैं करीबी हैं भी लेकिन राजनीति अपने हिसाब से चलती है व्यक्तिगत रिश्ता अपने हिसाब से चलता है मुझे दो नाम आपकी पूरी प्रोफाइल में और नजर आते हैं छगन भुजबल और शरद पवार उतार चढ़ाव के क्रम में एक बार हम एनसीपी के संपर्क में गए और एनसीपी में बिहार का अध्यक्ष उन लोगों ने बनाया तो उस वक्त हम उनके संपर्क में गए थे देखिए भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी अपने हिसाब से अपनी पार्टी की मजबूती के लिए कोई डिसीजन लेती है तो उस हिसाब से बीजेपी ने ठीक ही डिसीजन लिया तो उसके कारण हमारा मेरी जो राजनीति है उसको जोड़ कर देखना है मुनासिब नहीं है इस वक्त हम मौजूद हैं काराकाट में जो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक सीट है और काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा एन के प्रत्याशी हैं आप लोग इन्हें बखूबी जानते होंगे केंद्र में मंत्री रहे हैं राज्य में मंत्री रहे हैं और बिहार के एक कद्दावर नेता हैं और उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं आर के जो गठबंधन है उससे राजा राम सिंह जो सी पी आई के हैं लेकिन इस मुकाबले को दिलचस्प एक और शख्स बना रहा है जिसका नाम है पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा एक राष्ट्रीय नेता हैं जिनसे हम बातचीत कर ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका मुख्य मुकाबला किससे है शुक्रिया सर वक्त देने के लिए आपकी लड़ाई पहले बहुत आसान हुआ करती थी काराकाट में लेकिन ये पवन सिंह के आने के बाद से कुछ फैक्टर बिगड़ा है क्या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है आप लोग ऊपरी स्तर पे आकलन करते हैं या बाहर हवा में सुनी सुनाई बात के आधार पे कुछ अंदाज लगा लेते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है देखिए मुकाबला तो हर जगह एनडीए डी ए महागठबंधन का ही है यहाँ भी काराकाट में भी वही स्थिति है लेकिन प्रतिद्वंदिता क्योंकि कोई भी तो उम्मीदवार सामने है जिससे होनी है तो उसके चलते महागठबंधन वरना कुल मिला जुला कर देखिए लोगों का आकर्षण लोगों का झुकाव तो एन के पक्ष में एक तरफा जैसा है कहीं कोई मुकाबले में टिक ही नहीं रहा है। तो पहले आसान होता था आज कठिन है ऐसा नहीं है। अभी भी आसान है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं उपेंद्र जी जब हम काराकाट में घूम रहे हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं ना तो एक छोटी सी नाराज़गी आपसे है लोगों की कि अगर आपने एन नहीं छोड़ा होता तो शायद उनके काराकाट का या डेहरी का जो डालमिया नगर रेलवे वाला प्लांट है पूरा वो शुरू हो गया होता आपने पूरी कोशिश की उसका सब डी तक बनवा लिया लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया हमने उसको एक मुकाम तक पहुँचा दिया था काम शुरू होने ही वाला था लेकिन नाराज़गी भी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको उम्मीद भी ही, भी है कि तो तो, तो, यही करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ही करेंगे वरना हम नहीं थे कोई तो था वैसा थोड़े है कि मेरे बाद जगह खाली थी तो होना चाहिए था नहीं हुआ तो लोगों को लगता है कि उस समय छः महीना पहले हट गए इसलिए नहीं हुआ इसका अर्थ सीधा है कि करेंगे तो फिर यही करेंगे तो नाराज़गी में भी कहीं ना कहीं स्नेह छिपा हुआ है भरोसा छिपा हुआ है तो इसका अर्थ समझ सकते हैं लोग आज भी उम्मीद लगा कर हैं और बिल्कुल सही उम्मीद है हम उनको आश्वस्त भी करना चाहते हैं इस बार मौका लोगों से आग्रह हम करते हुए चल ही रहे हैं इस बार मौका दीजिए सारा काम जो उस तरह का जहाँ का तहाँ रह गया पेंडिंग रह गया उसको करेंगे दो और काम पेंडिंग हैं आपके आपके हिस्से में डेहरी को जिला बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो लोगों की बातचीत है लोगों की डिमांड है और दूसरा एक केंद्रीय विद्यालय जिसके लिए आपने प्रयास किया था वो भी काम नहीं हो पाया हाँ केंद्रीय विद्यालय के लिए हमने प्रयास किया अपने लोकसभा क्षेत्र में एक जगह तो खुला भी एक और केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है जो इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोह प्रखंड है वहाँ सेंक्शन है बजाप्ता खुल जाएगा और फिर बाकी इस जिला में भी जो हमारे लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है यहाँ भी हमारी कोशिश थी कि केंद्रीय विद्यालय खुले किसी कारण से उस समय नहीं हो पाया लेकिन इस बार मौका मिलेगा तो इस तरह की बात अब लोगों को कहनी नहीं पड़ेगी कि करना है खुद ही हमारे मन में है करेंगे हम मतलब कारागाट के जो पुराने काम छूटे ये और जिन वजहों से छूटे हैं क्या उन वजहों पे बातचीत की जाए क्यों छूट गए ये सब क्यों छूट गए उसका विश्लेषण करना बहुत मुनासिब अभी नहीं है उसका मुख्य कारण तो यह था कि दो में एन की सरकार दिल्ली में बन गई लेकिन पंद्रह में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन की सरकार बिहार में आ गई तो इसके कारण काम करने में कठिनाई हुई स्वाभाविक रूप से जिसकी सरकार रहती है उसी का प्रतिनिधि अगर चुनाव जीतता है तो काम ज़्यादा आसान होता है वैसा तो ऐसा उस समय नहीं हुआ दिल्ली में तो जो कुछ हम लोग चाहते थे हो ही जाता था पटना में क्योंकि हम लोगों की विरोधी सरकार हो गई तो स्वाभाविक रूप से काम करने में कठिनाई हुई इसके चलते इस मामला पेंडिंग रह गया लेकिन इस बार तो आसान है ना इस बार दिल्ली में भी एनडीए पटना में भी एनडीए और इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया तो इस बार काम करने में कहाँ कठिनाई होगी सब काम आसानी से तो कहते हैं ना व्यक्तिगत तौर पर कि महागठबंधन की सरकार है आपके लिए तो मुश्किल नहीं थी ना कि महागठबंधन की भले ही सरकार हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार में अगर नीतीश कुमार का सबसे कोई करीबी नेता माना जाता है तो उपेंद्र कुशवाहा है आप ठीक बोल रहे हैं करीबी हैं भी लेकिन राजनीति अपने हिसाब से चलती है व्यक्तिगत रिश्ता अपने हिसाब से चलता है अब उसका ज़्यादा विश्लेषण अभी क्योंकि हम सब लोग एन गठबंधन में ही है तो ज़्यादा विश्लेषण करना मुनासिब नहीं है लेकिन जो है सो सामने है इसलिए हम कह रहे हैं कि अब अब आगे आने वाले दिनों में कोई कठिनाई काम करने में कराने में नहीं होगी आप चूंकि एक शिक्षक भी रहे हैं और आपका नाम उपेंद्र कुमार सिंह हुआ करता था फिर आपने नीतीश कुमार के कहने पर अपने नाम में कुशवाहा टाइटल जोड़ा ये क्या पूरी कहानी देखिए बात बिल्कुल सही है हम एम हुए 2000 में तो हमारा सर्टिफिकेट नाम उपेंद्र प्रसाद सिंह ही था और उसी नाम से हम विधायक भी चुने गए लेकिन सर्टिफिकेट का नाम यह था बाकी जो प्रचलित नाम हमारा है नीतीश कुमार जी ने ही चेंज किया और चेंज किया मतलब उनके कहने पर हमने चेंज किया जाने पहले उन्होंने ही चेंज कर दिया पहली बार जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी थे ही उस वक्त नीतीश जी युवा लोकदल के बिहार के अध्यक्ष हुए और पदाधिकारियों की सूची में मेरा भी नाम था उसमें उपेंद्र कुशवाहा लिखा हुआ था तो हम तो समझ ही नहीं पाए कि मेरा नाम है बाद में नीतीश जी ने कहा कि आप ही न है उपेंद्र कुशवाहा हमने कहा कि हमारा नाम उपेंद्र प्रसाद सिंह है तो उपेंद्र कुशवाहा लिखा हुआ तो उन्होंने ही कहा कि हमने चेंज किया है और इसको आगे आने वाले दिनों में आप चेंज करा लीजिएगा फिर भी हम विधायक हुए तो सर्टिफिकेट में क्योंकि उपेंद्र प्रसाद सिंह ही नाम था उसी नाम से जाने गए लेकिन बाद में फिर उसको हमने संशोधन करके वोटर लिस्ट में भी चेंज करा लिया तो यह बात ठीक है नीतीश जी ने ही किया उसमें कहीं सब लोग जानते ही हैं जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था ना तो मुझे दो नाम आपकी पूरी प्रोफाइल में और नजर आते हैं छगन भुजबल और शरद पवार ये क्या पूरी कहानी बिहार का नेता महाराष्ट्र के दो कद्दावर नेताओं को अपने पॉलिटिकल गुरु के तौर पर देखते हैं जो लिखा जा रहा है मीडिया में मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया है इस सब लोगों को मालूम है सब लोग हाँ ये 2000 से 2024 के बीच का तो मैंने भी देखा ये। हाँ बिल्कुल तो इस उतार चढ़ाव के क्रम में एक बार हम एनसीपी के संपर्क में गए और बिहार का दायित्व तो मेरे ऊपर थोड़े दिनों का मामला था हमको तो साल डेढ़ साल दो साल ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा उस वक्त एन में हम गए और एन में बिहार का अध्यक्ष उन लोगों ने बनाया तो उस वक्त हम उनके संपर्क में गए थे लेकिन उसी वक्त फिर महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ मारपीट की घटना दुर्व्यवहार की घटना विद्यार्थियों के साथ काफ़ी उस वक्त इस तरह की घटना हो गई थी तो उसमें हमको लगा कि अब एनसीपी महाराष्ट्र की पार्टी है और उसके हम अध्यक्ष हैं बिहार के साथ न्याय नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ चल ही रहा था उस तरह से और सपोर्ट नहीं मिल रहा था महाराष्ट्र में जो बिहार के लोग रह रहे थे तो हमको लगा कि अब इस पार्टी में रहकर और बिहार के लोगों का अपमान होते हुए हम देखते रहे मुनासिब नहीं है उसी वक्त फिर हमने राजनीतिक रूप से उनसे हम अलग हो गए तो यही कारण है कि कुछ दिन के लिए हम उनके संपर्क में गए थे जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं और छगन भुजबल तो फिर एन डी ए गठबंधन छगन भूजबल साहब एन डी ए गठबंधन के हिस्सा ही नहीं है उनसे हमारा लगातार रिश्ता रहा है सामाजिक संगठन चलाते हैं छगन भुजबल साहब जिसमें महात्मा फूले साहब के विचारों का प्रचार प्रसार तो इस कारण से वह जो सामाजिक संगठन है उस संगठन में हम हमेशा जुड़े रहे हैं अभी एन डी ए गठबंधन में है भुजबल साहब बीच में एन डी ए गठबंधन में नहीं भी थे तब भी जो सामाजिक संगठन है इस संगठन की एक्टिविटी में हम भी रहे और भुजबल साहब उसका नेतृत्व करते रहे तो उनके साथ तो व्यक्तिगत रूप से हम आज भी हैं आपका मुझे पूरा पॉलिटिकल करियर देखता हूँ तो आपके व्यक्तिगत रिश्ते आपके पॉलिटिकल रिश्तों से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं नीतीश कुमार के साथ आपके पॉलिटिकल रिश्ते बनते रहें बिगड़ते रहे हैं व्यक्तिगत रिश्तों में तो कभी खटास नहीं आई व्यक्तिगत रिश्ता में खटास कभी नहीं लाना चाहिए आदमी को ठीक है राजनीति के हिसाब से किसी का रास्ता अलग बन रहा है हमारा रास्ता अलग बन रहा है तो करेंगे लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता में क्यों खटास लाएं? आप जो देखिए अभी के फेज के पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन का की लड़ाई चल रही थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी बाद में चलकर सोशलिस्ट पार्टी इत्यादि जो भी लोग होते थे भले आपस में विचारधारा के कारण लड़ाई होती थी पार्टी अलग अलग होती थी लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता उन लोगों के बीच कितना अच्छा होता था और कौज एक था बिल्कुल कौज एक था तो इसलिए व्यक्तिगत रिश्ता में आदमी को खटास नहीं लाना चाहिए सब लोगों को यह काम करना चाहिए और इसके लिए हम अपनी ओर से कोशिश हमने की है और इसका परिणाम है कि राजनीति में अलग अलग रहने के बाद भी नीतीश कुमार जी हों या और भी उनसे व्यक्तिगत रिश्ता कभी बहुत दूर मेरा नहीं हुआ है सम्राट चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो एक नेगेटिव ये चलता है कि कुर्मी और कुशवाहा जो एक बड़ी आबादी है यहाँ की उसको गोलबंद करने के लिए और उपेंद्र कुशवाहा को काटने के लिए सम्राट चौधरी को वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है जबकि उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार में इस बड़ा नाम है इस ओबीसी चेहरे का आप कैसे देखते हैं इस एलिगेशन नहीं 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 बिल्कुल गलत बात है यार देखिए जब सम्राट चौधरी जी बनाए गए बिहार के अध्यक्ष बीजेपी के तब हम एन का हिस्सा बन चुके थे तो हम लोग तो एक ही गठबंधन में उस वक्त भी थे और हैं तो इस तरह की बात करनी कि उनको बना करके हमको कोई हमारा कोई नुकसान पहुंचाने की बात ऐसा नहीं है देखिए भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी अपने हिसाब से अपनी पार्टी की मजबूती के लिए कोई डिसीजन लेती है तो उस हिसाब से बीजेपी ने ठीक ही डिसीजन लिया तो उसके कारण हमारा मेरी जो राजनीति है उसको जोड़ कर देखना है मुनासिब नहीं है हम काराकाट में बैठे हैं और पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं फैन फॉलोइंग है नए लड़के उनके साथ खड़े हैं एक चीज़ ये भी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि भोज पवन सिंह तो बीजेपी के मेंबर हैं उन्होंने ज्वाइन भी की थी आसनसोल से उनको टिकट भी मिल गया था बीजेपी के कई नेताओं से मेरी भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमने कोशिश करके उनको टिकट दिलवाया उन्होंने इनकार किया और तय किया कि हम काराकाट लड़ेंगे तो फिर आपकी ऊपर के नेताओं से बात हुई कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए क्योंकि हम जिस दिन ये बातचीत करें नामांकन वापसी का आखिरी दिन है ये चलिए बीजेपी का विषय है इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है बीजेपी को इस संदर्भ में जो भी करना है बीजेपी के लोग करेंगे उनका विषय जीत का मार्जिन कितना होगा जीत का मार्जिन देखिए यह तो अब एकट बताना है कोई काउंटिंग कोई भविष्य वक्ता तो हम लोग हैं नहीं लेकिन 2014 में जितना मत से हम जीते थे इस बार उससे ज़्यादा मत से जीतेंगे 2014 की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि उस वक्त भी एनडीए से हम उम्मीदवार थे और अभी एन के उम्मीदवार हैं तो उस समय से ज्यादा मत से जीतेंगे मतलब दो हजार उन्नीस वाली गलती दो हजार उन्नीस में तो हम एनडीए से अलग हो गए थे न तो इसलिए एनडीए से अलग होकर लड़ रहे थे वो एक अलग विषय था लेकिन हम कम्पेरिजन 2014 से इसलिए कर रहे हैं कि एनडीए से उस वक्त हम चुनाव जीते थे और इस वक्त भी एनडीए से उम्मीदवार हैं चलिए तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से एनडीए के प्रत्याशी जो कह रहे हैं कि दो में एनडीए से हम जीत गए थे तो 2024 में भी ये एनडीए से उनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता है शुक्रिया